दैट इंट्रोडक्शन? नाइन्थ बी स्लोप करवाया था, वो समझ में आया था सबको? ठीक है, चलिए मैम जो है ना बेटा, आज उसी की ही असाइनमेंट, ये असाइनमेंट करवाएंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे, बट इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि आपको पूरी कंसंट्रेशन से, क्योंकि बेटा ये चैप्टर थोड़ा समझने वाला है, मुश्किल नहीं मैं कहूंगी, समझने वाला, एक बार समझ में आ गई तो कोई मुश्किल नहीं है। तो इसलिए क्या करना है आपको, एक तो सबसे पहले क्या करना है, टेल मी कैसे बैठना है, स्ट्रेट बैठना है। दूसरा क्या, अपने बंद क्या कर देना है, अपने बुक्स बंद कर देनी है। आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्टर एंड पेन होना चाहिए, वेरी गुड, और कुछ नहीं। और बहुत ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, नहीं तो ना कंसेंट्रेशन एनर्जीज उधर डाइवर्ट होती है। आपके कान और ब्रेन का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आंखें तो है ही है, चल रहा है, आईज ईयर्स एंड ब्रेन, इसका कनेक्शन स्ट्रांग करना है, ताकि ईच एंड एवरी वर्ड मैम सेज टू यू गोज इन टू योर ईयर्स, देन इंटरप्रेट्स इन द ब्रेन एंड एक्टिवेट्स विच सेंटर ऑफ योर ब्रेन, हिप्पोकैम्पस, है ना, मैं हर क्लास में बता रही हूँ, हिप्पोकैम्पस इज द सेंटर इन अवर ब्रेन विच कन्वर्ट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स व्हाट यू लर्न नाउ विल बी रिटेन्ड फॉर एवर, दैट इज शॉर्ट टर्म, बट यू हैव टू एक्टिवेट हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस को हिंदी में क्या बोलते हैं, इट्स अ नेम ऑफ एन एनिमल, क्या है, कौन सा एनिमल है, दरियाई घोड़ा, बिल्कुल बात ठीक है, राइट right? तो हमने अपने ब्रेन के दरियाई घोड़े को एक्टिवेट करना है, ठीक है जी, और वो कब एक्टिवेट होगा, जब आप चाहेंगे, मेरे चाहने से या किसी और के चाहने से नहीं होगा, इट विल हैपन ओनली व्हेन यू विश टू एक्टिवेट दैट सेंटर, डू यू विश सो, तो रेज योर हैंड्स हु वांट टू एक्टिवेट देयर हिप्पोकैम्पस, यस, जल्दी से, फटाफट से, फटाफट से अपनी जो है ना, डू दिस फटाफट, 5 टाइम्स दिस, जल्दी से, क्विक, वेरी गुड, एंड 5 टाइम्स ऑपोजिट साइड, वेरी गुड, इट एक्टिवेट्स योर हैंड्स, इट एक्टिवेट्स योर शोल्डर्स एंड देन सिट स्ट्रेट, राइट। चलिए आप, अब मैम 1 मिनट में आ रही है, और आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले अपनी असाइनमेंट में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो, शायद आपको आ जाए, ठीक है, और मेरी बात सुनो, शोर बिल्कुल नहीं, मैम आपको समझा कर ही जाएंगी, अपनी टीचर्स जो आपके क्लास में टीचर्स हैं, नहीं समझ में आया आपको, नहीं तो अपने टीचर को बताओ कि हमें नहीं समझ में आया, तो दोबारा से मैम समझाएंगी, नो वरीज, हमने छोड़ना नहीं है बीच में, हर चीज समझ के जानी है, डू यू गेट मी, ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं, नहीं तो माइक के पास आ जाओ, हाथ खड़ा कर दो, मैम विल सी यू, ठीक है, नहीं इस तरह से कर पा रहे तो अपने फिजिकल जो टीचर्स हैं इनसे कम्युनिकेट करो, ये हमें बताएंगे कि मैम इस बच्चे को नहीं समझ में आया, हम दोबारा समझा देंगे, क्लियर, ओके मैम। चलिए ठीक है बेटा, बस करो, मैम आ रही है, 1 मिनट में आ रही है। पे माइक,
ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो बेटा सर? फाइन मैम। आज अलग अलग क्लासेस में? मेरे पास तो हमेशा ही रहे ना, है ना। कौन कौन से सेक्शंस है? 9th A एंड 9th B। ओके, 9th A कौन सा है? ओके, एंड 9th B ऊपर वाला है ना मेरे पास जो शो हो रहा है। ठीक है जी। ओके बेटा, बेटा लास्ट क्लास में सबको सब समझ आ गया था? Yes, ओके, क्या क्या किया था हमने 9th में बच्चे लास्ट क्लास में? ग्राफ ग्राफ किए थे एंड इंक्लिनेशन स्लोप। स्लोप। ग्राफ किया, स्लोप किया, इंक्लिनेशन के बारे में समझा। अब मुझे ये बताओ ऑनेस्टली रिवाइज कौन कौन करके आया है, क्योंकि सो मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर। अब रिवाइज किस किस ने किए ऑनेस्टली? ओ जस्ट फ्यू स्टूडेंट्स, नॉट ऑल ना। क्यों बेटा, आपको पता था ना आज क्लास है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेटा हमने करने हैं, असाइनमेंट आपके पास है। अब आपको ये आसान तभी लगेगी, तभी कर पाओगे अगर आपने कुछ रिवाइज किया हुआ है ना, नहीं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 1 वीक के बाद क्लास हो रही है और वॉश हो जाती है हमारे दिमाग से काफी चीजें। तो थोड़ा सा हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं चीजों को जो हमने लास्ट क्लास में किया था, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द वर्कशीट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्कशीट करते हुए बेटा डाउट्स आते हैं, आपने डाउट्स पूछोगे बेटा तभी मुझे पता लगेगा आपको कहाँ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, सो इट्स योर ड्यूटी कि आप डाउट पूछो अगर कहीं पे चीज क्लियर नहीं हो रही है आपको। ठीक है बच्चे? ठीक है, ओके। जस्ट रेज योर हैंड्स जिसका डाउट है। पीछे वालों के थोड़े हैंड्स की मुझे विजिबिलिटी कम रहती है, तो आप खड़े हो जाना बेटा जिसको भी डाउट होगा। ठीक है, और फिर माइक के पास आके बोल देना। राइट बेटा? चलिए, कुछ टॉपिक्स हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आई विल आस्क यू द सिंपल क्वेश्चन रिगार्डिंग स्लोप, आप मुझे बताना, देन वी विल स्टार्ट विद द वर्कशीट। राइट, हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलिए, ठीक है, लेट अस से दिस इज ए। ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। राइट, दिस इज अ वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। सो विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर? कौन सा फास्ट मूव कर रहा है बेटा? यस, विच वन? बी और ए? ए। कौन बताएगा क्यों फास्ट मूव कर रहा है ए? जस्ट रेज योर हैंड्स फ्रॉम 9th B। 9th B में से मुझे कौन बताएगा कि ऑब्जेक्ट ए फास्ट क्यों मूव कर रहा है? अभी मुझे ए की हैंड दिखा है 9th B में से। यस, हाँ जी बेटा, ये फर्स्ट बेंच पे जो बैठा है बेटा माइक के पास स्टूडेंट, बच्चे बताओ। Because inclination is higher. बिकॉज Inclination is more. इंक्लिनेशन इज मोर। ओके, देखो बेटा यहां पे हमें थीटा मिल रहा है दिस मच, एंड यहां पे थीटा आ रहा है इतना। विच थीटा इज ग्रेटर, थीटा 1 और थीटा 2, है ना? तो जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा होता है बेटा, इंक्लिनेशन मीन्स जिसमें थीटा ज्यादा होता है, इंक्लिनेशन मीन्स जिसका इंक्लिनेशन मोर। इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी जो स्लोप है वो भी क्या है? Yes. ज्यादा है। राइट बेटा? ठीक Yes. है, तो हम ये बोल सकते हैं ए हैज स्लोप। ए की स्लोप क्या है? मोर है। और बी की स्लोप क्या है? Yes. लेस है। ठीक है बेटा जी, तो जिसकी स्लोप ज्यादा होती है, तो हमने ये समझा था वो ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करता है इन केस ऑफ एनी ग्राफ, चाहे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, चाहे एक्सलरेशन टाइम ग्राफ हो। ठीक है, एट प्रेजेंट हम एक्सलरेशन टाइम ग्राफ को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। हमारे सिलेबस में दो ही ग्राफ्स हैं, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना?
एक्सलरेशन टाइम ग्राफ भी होते हैं, पता है आपको? चलिए ये आपको सब एक बार पता लग गया, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कोई लाइन जब एंगल बनाती है, जो भी एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। तो मोर द इंक्लिनेशन, मोर द स्लोप, और वो ऑब्जेक्ट हमारा फास्ट मूव कर रहा है। दिस इज अ बेसिक आइडिया। आप कैसे पता लगा सकते हो विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर एंड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लोअर? ठीक है बच्चे, कर चले आगे। शुड वी स्टार्ट विद द वर्कशीट? और लास्ट क्लास में कोई डाउट है किसी का तो वो भी आप पूछ सकते हो। हाँ जी बेटा, पूछने किसी ने? चलिए फिर चलिए वर्कशीट के फर्स्ट क्वेश्चन पे। यस मैम। बेटा सेम हमारा फंडा होता है विद एक्सलरेशन। अगर हमसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये पूछ लिया जाए कि विच ऑब्जेक्ट हैज मोर एक्सलरेशन, तो उसके लिए भी हमें स्लोप देखनी होती है। बेटा एक चीज और मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर ग्राफ होता है ना बेटा, ठीक है, जैसे कि ये ग्राफ है, इसके अंदर एक लाइन तो ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, लेट अस से राइट। देखो इसमें थीटा कहां पर है? दिस वन इज थीटा, यहां पे ये थीटा है और यहां पर ये थीटा है। ठीक है बच्चे, ये थीटा लेस देन 90 है या मोर देन 90 है, पहले मुझे ये बताइए। दिस वन लेस देन 90, लेस देन 90 डिग्री होता है तो स्लोप पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव स्लोप है ना। यहां पे जो थीटा है बेटा, दिस थीटा इज लेस देन 90 और मोर देन 90? मोर देन 90, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट बेटा? अगर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो स्लोप क्या होती है बेटा? नेगेटिव। इस केस में हमें स्लोप मिलेगी नेगेटिव। बट अगर हमारे पास एक लाइन है इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप क्या होगी? जीरो। क्यों होगी बेटा? व्हाई इट विल बी जीरो? इसमें स्लोप हमें डेफिनेटली बेटा क्या मिलने वाली है? जीरो, राइट? ये तो ठीक है, क्यों होती है जीरो? देखो हमने लास्ट क्लास में समझा था एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कितना होता है बेटा? एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कितना होता है? जीरो डिग्री बेटा, ठीक है। और टेन जीरो डिग्री, टेंजेंट जीरो डिग्री बेटा, टेन जीरो डिग्री हमारा होता है जीरो। ये आपको थोड़ा लेट समझ आएगा, मैथ्स में आपने अभी किया नहीं होगा नाइन्थ में, ठीक है बेटा। जब भी स्लोप जीरो होती है, लाइन दो लाइन अगर पैरेलल हो, ठीक है, ये लाइन हमारे टाइम एक्सिस के पैरेलल है, दिस लाइन एंड दिस लाइन बोथ आर पैरेलल टू इच अदर, सो दैट इज व्हाई द स्लोप इज जीरो, राइट बेटा? यस समझ आ गया बेटा ये? यस मैम। चलिए चलिए, नाउ लुक एट योर फर्स्ट क्वेश्चन इन द वर्कशीट बेटा, रीड कीजिए सभी, क्या पूछे हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तो अभी हो जाएगा मेरे को लग रहा है। यस जस्ट रेज योर हैंड जिसको पता लग गया कि इसका आंसर क्या होगा। नाइन्थ ए में से तो काफी हैंड्स रेज है, नाइन्थ बी, आज तो कंपटीशन वाली बात हो गई है दोनों क्लासेस में अलग अलग बैठ के। यस नाइन्थ बी, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स बच्चा, नाइन्थ ए में से कौन कौन बता सकते हैं इसका आंसर विद रीजन? ठीक है, चलिए इस बार नाइन्थ ए में से। हाँ जी बेटा, जो फर्स्ट बेंच पे बॉय बैठा है, सेकंड बेंच पे जिसने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी बेटा, आप नाइन्थ ए में से बेटा। मैम इसका आंसर में डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू आएगा, दैट्स
वेरी गुड, डब्ल्यू विल बी द राइट आंसर, बट क्यों आएगा बेटा? एंड बिकॉज इट हैज मिनिमम एक्सेलरेशन, मिनिमम स्लोप. यस, बिकॉज इट हैज मिनिमम स्लोप. ठीक है बच्चे, आप तीनों का इंक्लिनेशन देखिए विद पॉजिटिव एक्सिस, टाइम एक्सिस के साथ. तीन लाइंस बनी हुई है ना यहाँ पे, 1, 2, 3 है ना. तो ये आपका आ गया W, और इसका जो एंगल है बेटा पॉजिटिव एक्सिस के साथ टाइम एक्सिस के साथ सबसे कम है. जिसका एंगल सबसे कम, जिसका इंक्लिनेशन सबसे कम, उसका उसकी स्लोप सबसे कम, और उसकी एक्सलरेशन भी क्या हो जाएगी मिनिमम. रीजन लिख लीजिए बेटा इसके साथ W, एंड रीजन लिखिए बेटा सभी, व्हाट विल बी द रीजन? हाँ जी बेटा, लिख लिया सबने? यस मैम. चलिए चलिए बेटा, सेकेंड क्वेश्चन. द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ. हाँ जी रीड कीजिए जरा सभी क्वेश्चन बेटा अपना अपना. हाँ जी बेटा, पढ़ लिया सबने? चलिए अब मुझे बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होना चाहिए. देखो, द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ बॉडी विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, रिटर्न बैक टू द थ्रोअर. ऊपर गई चीज और फिर जिसने थ्रो की थी उसके हाथ में वापस आ गई है. सेकेंड क्या कह रहे हैं? अ ट्रॉली रोल्स डाउन अ स्लीप रेल एंड देन क्लाइम्स अप अनदर रेल. ठीक है, थर्ड है ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है बेटा, सबसे पहली बात आप मुझे बताओ इनमें से कौन सी ऑप्शन आप कैंसिल कर सकते हो? डी ऑप्शन है नन ऑफ दीस. ए ऑप्शन को आप छोड़ सकते हो. देखो, अ बॉडी विच इज, कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा जब ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है ना, उसकी वेलोसिटी जो होती है ऊपर जाने से वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज होती है. ठीक है बेटा, तभी तो वो रुक जाती है ना. अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, मैंने कुछ भी, देखो मेरे पास ये पेन है ना, मैंने उसको ऊपर थ्रो करना है, ये देखो, पर ये एक जगह पर जाकर नीचे आ गया. क्यों आ गया? क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई थी. समझ आई बात? जब मैंने किसी वेलोसिटी से थ्रो किया ना ऊपर की तरफ, तो ये जो पेन था इसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होगी, फिर ये जीरो हो जाएगी, और जहां इसकी वेलोसिटी जीरो होगी वहां से ये फिर नीचे आने लग जाएगा. ठीक है बच्चे, आप बॉल थ्रो करते हो, कुछ भी थ्रो करते हो, एक जगह पर जाकर नीचे आ जाती है चीज वापस. तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है उसकी वेलोसिटी कम होती है. कीप दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड ऑल्सो, क्योंकि ये टॉपिक हमारे ग्रेविटेशन में भी आता है. ठीक है बच्चे, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो वेलोसिटी होती है डिक्रीज. तो देखो हमारा ग्राफ क्या कह रहा है, यहां पर है 10, ठीक है, यहां पर है 10, और ये है हमारी वेलोसिटी, और यहां पर है हमारे पास टाइम. ठीक है बच्चे, यहां पर एक लाइन है, यहां पर है 2, 0 एंड 4, राइट बेटा? इज इट क्लियर? दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, एंड दिस इज पॉइंट सी, राइट बेटा? ठीक है, अब देखो यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. जीरो से वेलोसिटी कहां आ गई? 10 मीटर पर सेकंड पर. तो क्या फर्स्ट केस पॉसिबल है?
देखो अ बॉडी विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, उसमें तो वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए या नहीं? यस और यहां वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, हमारी इंक्रीज हो रही है ना बच्चे? अब बताओ क्या करें? तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, अब चलते थर्ड ऑप्शन पे। देखो थर्ड कह रहा है ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है बेटा, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, कौन बताएगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, स्ट्रेट हाँ जी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो इस ग्राफ में कहीं पे स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है? वो वाली स्ट्रेट, ऐसी वाली स्ट्रेट लाइन कहीं दिख रही है? तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा, है ना? अब आइए सेकंड ऑप्शन पे। अ ट्रॉली रोल्स डाउन अ स्लीप रेल। स्लीप रेल मतलब कि एक ऐसे स्लैंट है, इसके ऊपर एक ट्रॉली है, वो चलती हुई आ रही है, ठीक है बेटा? ऐसे 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 ऐसे, तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? पहले ये इंक्रीज होगी, है ना? एंड देन क्लाइम्स अप अनदर रेल। अब ये क्या कर रही है? अब एक अनदर रेल पे कंबाइन और चढ़ रही है, वापस जा रही है, ठीक है बेटा जी? अब मुझे इसकी वेलोसिटी बताइए, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अब धीरे चढ़ती है ना, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं कभी भी, तो हमारे व्हीकल की स्पीड बढ़ जाती है ना? और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हमारे व्हीकल की स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है ना? यही चीज है बेटा। देखो पहले वेलोसिटी इंक्रीज हुई, देखो ये तो शेप है उसके पाथ की, और पाथ में क्या कह रहा है कि विद टाइम पहले वेलोसिटी इंक्रीज हुई। देखो विद टाइम वेलोसिटी हमारी क्या हुई, इंक्रीज हुई, फिर वेलोसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। पहले इंक्रीज हुई और फिर डिक्रीज हुई, और देखो यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। आया बेटा समझ? यस मैम। ये ग्राफ किस किस को समझ आ गया? बिकॉज इसके साथ के काफी ग्राफ आते हैं, ठीक है? ये क्लियर हो गया बेटा सबको? यस चल अब अभी एक चीज और समझनी है हमने इसके साथ। अब मुझे एक चीज बताइए, जो फर्स्ट केस है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, जो इसमें ए ऑप्शन है उसका ग्राफ कैसे बनेगा? बनाइए जरा, सभी कॉपी पे ड्रॉ कीजिए अपने अपने। चल नहीं रहा शायद आज, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा बताइए। मैम जो पहले आपने वहां पे इंक्रीज लिखा है, वहां पे डिक्रीज नहीं आएगा मैम? कौन से क्वेश्चन है बेटा? मैम सेकंड क्वेश्चन जो ग्राफ है। नहीं बेटा, और ट्रॉली रोल्स डाउन अ स्लीप, अगर कोई स्लांट पे कोई चीज आ रही है नीचे की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज ही होगी ना बेटा? आपने मैम जैसे ए से बी पे जाएगी तो मैम फिर वो डिक्रीज नहीं होगी वेलोसिटी डिक्रीज क्यों होगी बेटा? मैम, क्योंकि अपवर्ड नहीं वो जा रहा। बेटा ये मैंने वही चीज बताई थी ना, ये तो आपका पाथ है, ये ग्राफ नहीं है। ये दो लाइंस जो मैंने ड्रॉ किया, दीज आर नॉट ग्राफ, ये एक रास्ता है, जैसे कि एक वैली हो कि पहले नीचे जा रही है चीज फिर ऊपर जा रही है चीज, उसका ग्राफ हमारा ये बनेगा, ठीक है बच्चे? मैं अभी एक और एग्जांपल देती हूँ आपको फर्स्ट वाले की, फिर आप समझना इस चीज को, ठीक है? फिर हम दोनों एक बार दोबारा से कोरिलेट करेंगे चीज को। अब फर्स्ट वाला केस देखिए बेटा, जो ए पार्ट है हमारा, जो ए पार्ट है, ठीक है? हाँ मैम जी बेटा, अच्छा, आपने वहां पे साइड पे ग्राफ ड्रॉ किया, वहां पे ए से बी तक वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होगी? वेलोसिटी डिक्रीज ही हो रही है बेटा,
ए टू बी, नहीं 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 ए टू बी तो वेलोसिटी बढ़ रही है, देखो ये जीरो थी, फिर कहीं पे फाइव भी होगा, सिक्स होगा, सेवन, टेन, तो वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना बेटा। और फिर देखो ये जीरो पर आ गई, एट पॉइंट सी वेलोसिटी जीरो पर आ चुकी है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, देन इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड का ही ए पार्ट। अ बॉडी विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अभी मैंने आपको एक चीज बताई, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया जाता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जब वही ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है बच्चे, इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखना बेटा, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है, और जब नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, राइट। अब मैं अगर बोला जाए कि इस सिचुएशन के लिए आप ग्राफ प्लॉट करो तो क्या बनाओगे, ये देखो मैंने एक लाइन ली, ये भी एक लाइन ली, ठीक है। अब देखो ये वेलोसिटी, ठीक है बेटा, दिस इज वेलोसिटी, ये हमारा टाइम हो गया, यहां पर जीरो, फाइव है ना, टेन और फिफ्टीन, कुछ भी ले लेते हैं, टू, फोर, सिक्स, एट एंड एक्स, राइट बेटा। अब आपको क्या बोला गया कि ये बॉडी विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। देखो ये शायद आपने अब तक कर लिया होगा ग्रेविटेशन चैप्टर में, हम जब ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालते हैं ना बेटा, तो हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू देते हैं ऑब्जेक्ट को। लेट अस से कि उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 15 थी, ठीक है बेटा, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 15 थी, राइट बेटा। अब जब ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी हो रही है डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब ये और ऊपर जाएगा या ये नीचे आना चाहिए, ठीक नीचे आना चाहिए। लेट अस से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, ठीक है, कितनी देर में डिक्रीज हुई, विद इन 4 सेकेंड वो डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और यहां आ गई उसकी वेलोसिटी, ठीक है। अब एक जगह पर जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, मैंने आपको बताया था ना ऊपर जाएगा, वेलोसिटी एक जगह पे जीरो हो जाएगी और वहां से वो फिर नीचे आने लगेगा, और जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी बेटा, ठीक इंक्रीज। अब वो वेलोसिटी फिर से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सिचुएशन समझ रहे हो, डिफरेंस समझ आया दोनों ग्राफ में? क्या देखो हमने इसको देख के ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, हमने ये तो सिर्फ रास्ता है एक, हमें पाथ बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ऊपर गया नीचे आया, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है कि वेलोसिटी कब इंक्रीज हुई और कब डिक्रीज हुई। ठीक है बच्चे, आप एक काम करो, ये पार्ट अभी एक मिनट, नेक्स्ट शीट पे आओ एंड लुक एट योर क्वेश्चन नंबर 15, 15th क्वेश्चन पे आइए बेटा, अभी ग्राफ ड्रॉ करने वाला पार्ट ना कंप्लीट ही कर लेते हैं एक बार, राइट बेटा। निकाल लिया, अब देखिए बेटा, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सिचुएशन समझते हैं हम, ठीक है, क्या कह रहे हैं वो, कोई ड्रॉ कर सकते हैं अपने आप से? हाँ जी बेटा, वो क्या कह रहे हैं, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का बेटा हमेशा मतलब क्या होता है, कि ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पिक्स अप अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड इन 200 सेकेंड। बेटा हम कुछ नंबर्स मार्क कर लेते हैं पहले यहां पर, 200, ठीक है, 400, 600, 800, आगे देख लेंगे कभी जरूरत हुई तो। अब यहां पर वेलोसिटीज मार्क कर लीजिए, 10, 20, 40, दिस इज योर वेलोसिटी इन
मीटर्स पर सेकंड एंड टाइम आपको दिया हुआ है इन सेकंड। बेटा देखो ये कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, सेकेंड्स मीटर पर सेकेंड। कई बार आपको ग्राफ कैसा आता है कि आपको यहां पर दे देंगे वेलोसिटी इन मीटर्स पर मिनट और यहां टाइम दे देंगे सेकेंड्स में, ठीक है। तो यहां पर यूनिट्स बेटा सेम नहीं है, देखो टाइम की यूनिट यहाँ मिनट है और यहां पर टाइम की यूनिट क्या है बेटा सेकेंड है। तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, यूनिट्स को सेम करना पड़ता है एंड देन वी विल ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है बच्चे। तो इन चीजों को भी माइंड में रखने, कई बार चार ग्राफ आपको फोर ग्राफ ऐसे ही दे देंगे एमसीक्यूज में विच वन इज द करेक्ट ग्राफ। तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ यूनिट्स ऑल्सो कि यूनिट्स किस में ठीक लगी हुई है, ठीक है बच्चे। इज दैट क्लियर, से यस और नो बेटा, मेरी आवाज आ रही है बेटा आप सबको क्लियर, मेरे को आपकी नहीं आ रही है। टीचर्स प्लीज थोड़ा सा देखिए, बहुत क्रैक हो रही है आवाज बच्चों की मेरे पास ना, आई एम नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स। From both the sections. सेक्शन ए मुझे रिस्पॉन्स दीजिए जरा, Yes, ma'am. सेक्शन ए की ठीक है। सेक्शन बी बोलिए बेटा, Yes. हाँ सेक्शन बी में प्रॉब्लम आ रही है मैम थोड़ी सी ना, पता नहीं लग रहा बच्चा आंसर क्या कर रहा है, बीच में क्रैक हो जाता है आंसर ना। ठीक है बच्चे चलिए, अब ये क्या कह रहे हैं बेटा, जीरो से स्टार्ट हुआ, रेस से स्टार्ट हुआ, 200 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो गई बेटा, हाँ जी 20 मीटर्स पर सेकंड पे। आगे देखिए, इट कॉन्टिन्यूज टू मूव एट द सेम रेट, सेम रेट मतलब 20 मीटर पर सेकंड वाला रेट बेटा, इस रेट पे वो चल रहा है कितनी देर के लिए, फॉर नेक्स्ट 500 सेकेंड, मतलब यहां से 500 नहीं है, इसके बाद 500 सेकेंड्स है बेटा, ठीक है। 200 में 500 ऐड करोगे तो कितने पे पहुंचोगे, 7 पे, तो 700 कहाँ लाई करेगा, समथिंग हियर है ना, 600 और 700 के बीच में लाई करेगा 700। तो ये क्या कर रहे हैं, दिस इज कॉन्टिन्यू विथ सेम वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 500 सेकेंड, ग्राफ समझ आ रहा है बेटा, एंड इज देन ब्रॉट टू रेस्ट इन अनदर 100 सेकेंड। अब वो रेस्ट पे आ रहा है बेटा, रेस्ट पे आ रहा है, इट मींस उसकी स्पीड क्या हो रही है ऑब्जेक्ट की, अगर कोई चीज रुकने वाली होती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होगी तो ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है तो ग्राफ ऊपर की तरफ, स्पीड चेंज नहीं हो रही तो स्ट्रेट लाइन, स्पीड डिक्रीज हो रही है तो ग्राफ नीचे की तरफ। समझ आ गया क्लियर हुआ, मतलब अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो ग्राफ ऐसे जाएगा, स्पीड कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसे रहेगा, स्पीड डिक्रीज है तो ग्राफ नीचे की तरफ हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है बेटा। छोटी छोटी चीजें हैं, दिमाग में रखोगे तो काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी को समझ नहीं आया तो ये वाला पोर्शन मुझे आप बता दो, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल एक्सप्लेन अगेन, ठीक है। स्पीड इंक्रीज मतलब अपवर्ड ग्राफ ऊपर की तरफ, जब भी स्पीड सेम रहेगी मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना कांस्टेंट, और जब भी स्पीड डिक्रीज होती है, डिक्रीज का मतलब ग्राफ विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इस ग्राफ के लास्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, एंड इज देन ब्रॉट टू रेस्ट इन अनदर 100 सेकेंड। अब अनदर 100 सेकेंड मतलब हम टाइम कितने पे आ चुके हैं, 100 पे, ठीक है बेटा। हम टाइम कहां पर आ चुके हैं, 100 पे, ठीक है जी। यहां पर आ गए 800 पे आ गए, और इस टाइम में जो हमारा जो ग्राफ है वो क्या है, इस तरीके से बनेगा। समझ आया बेटा, क्लियर ले ले हुआ बच्चे,
ठीक है, देखो क्या क्या किया इसके अंदर हमने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ बेटा, स्टार्ट हुआ रेस्ट से, फिर 200 सेकेंड में इट हैज द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमने एक लाइन बना दी 20 मीटर पर सेकेंड तक, क्योंकि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर सेम वेलोसिटी रही फॉर अनदर 500 सेकेंड। 200 के आगे हमने 500 काउंट करना है, तो हम आगे 700 पे, 700 तक वेलोसिटी कितनी रही बेटा? हाँ जी, 700 तक वेलोसिटी कितनी रही? हाँ जी, 20 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब इस पूरे पाथ में वेलोसिटी रही 20 मीटर्स पर सेकेंड। फिर यहां पर आकर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? डिक्रीज, और वो स्टॉप हो गया इन अनदर 100 सेकेंड। अनदर 100 सेकेंड मतलब आगे और 100 सेकेंड ऐड कर देना 7 में, तो हम 800 पर आ जाएंगे। ये क्लियर हुआ बेटा? पक्का बेटा? इसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, मैं बाद में समझाऊंगी। हम वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है जी? चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट रेज योर हैंड जिसको पता है इसका आंसर। यस आई कैन आस्क टू एनी वन, क्विक। यस, हु विल गिव द आंसर? चलिए चलिए चलिए, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ऑप्शन, इसी कंफ्यूजन को दूर करना है बेटा हमने। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए जल्दी। इन द एडजॉइनिंग फिगर द ग्राफ लाइन ए बी हाँ जी, कौन आंसर देना चाह रहे हैं? जस्ट रेज योर हैंड। यस बेटा, 9th B स्टूडेंट जिसने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी बेटा, समझ नहीं आया मुझे, कैन यू रिपीट? मैम सी ऑप्शन सी ऑप्शन। व्हाट इज द रीजन? मैम, बिकॉज व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज देन एक्सेलरेशन आल्सो इंक्रीज। When velocity increase, acceleration will also increase. That's okay. But acceleration हमारी दो तरीके से increase हो सकती है, uniformly and non-uniformly. अब यहाँ पे कौन से तरीके से हो रही है? Uniformly हो रही है या non-uniformly हो रही है? Non-uniformly. अगर non-uniformly है तो बेटा A option कट गया, B option कट गया, डी नहीं है नन ऑफ दीज, क्योंकि हमें दिख रहा है सीधा सीधा वेरिएबल वेलोसिटी एंड वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है बेटा? वेरिएबल मींस नॉन यूनिफॉर्म। यू कैन से वेरिएबल मींस नॉन यूनिफॉर्म। वेरिएबल का मतलब भी होता है जो चीज चेंज हो सकती है, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब भी यही होता है जो चीज सेम नहीं है, बदली जा रही है, वो चेंज होती जा रही है विद टाइम। तो दोनों को हम यूज कर सकते हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है बेटा, सो सी विल बी द राइट आंसर, वेरिएबल वेलोसिटी है, क्योंकि देखो यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और थी, फिर कुछ और हो गई, कुछ और थी, जैसे यहाँ 5 थी, फिर 10 हुई, फिर 15 हुई, फिर 20 हो गई। वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग एंड एक्सलरेशन इज ऑल्सो चेंजिंग। ठीक है बच्चे, सो सी विल बी द राइट आंसर, इज इट क्लियर? Yes. तो इसमें जो बेटा पार्ट BC है, आपने देखा पार्ट जो इसका BC है, ये वाला पार्ट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग? यस, ये क्योंकि सीधी लाइन है, सीधी लाइन हमने बोला जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती,
अब सीधी लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन मीन्स वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, सो दिस इज द, ये वाला पार्ट हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. फाइन बेटा, इज इट क्लियर? ठीक है, और सीडी पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? कमिंग टू रेस्ट. कमिंग टू रेस्ट इज ओके, बट व्हाट दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग, विच टाइप ऑफ मोशन इट इज रिप्रेजेंटिंग? यस, बताइए जरा. डिक्रीजिंग वेलोसिटी. डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है, हम बोल सकते हैं इट्स डिक्रीजिंग वेलोसिटी, बट इसके लिए हमारे पास मोशन चैप्टर में एक स्पेशल नेम है. क्या है? हाँ जी, व्हाट इज द नेम? यस, रिटार्डेशन. रिटार्डेशन पढ़ा है आपने, डेक्सलरेशन, रिटार्डेशन, ये हम सब करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा? रिटार्डेशन, बिकॉज दिस लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, सो इस रिटार्डेशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. ठीक है बेटा? ऑल्दो क्वेश्चन में आपका जो पार्ट था वो क्या पूछा गया था, सिर्फ इतना ही पूछा गया था, ये मैंने आपको दो एक्स्ट्रा बताए हैं, इनको मार्क कर लो बेटा अपनी शीट पे. दिस पार्ट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. ठीक है बेटा, क्लियर हो गया बच्चे यहां तक? चलिए चलिए आगे. चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. हाउ कैन यू कैलकुलेट द फॉलोइंग? स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप कैसे बना सकते हो? स्पीड कैलकुलेट करनी है हमें. यस, हाँ जी बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम. ठीक है, यहां से किसी भी लाइन की अगर हमें स्पीड निकालनी है फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो कैसे निकलेगी? हाँ वो है, बट हम यहाँ पर एक सिंपल टर्म यूज करते हैं बाय यूजिंग स्लोप. हम स्लोप के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है बच्चे, स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हम स्लोप पता कर लेंगे कितनी है, स्लोप के थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे. स्लोप होता क्या है? मेजरमेंट. स्लोप निकलेगी कैसे? मेजरमेंट ऑन वाई एक्सिस अपॉन मेजरमेंट ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है बच्चे, सपोज कीजिए, सपोज करो कि यहां पे जो टाइम है वो आपका 5 है, 5 सेकेंड. ठीक है बच्चे, और यहां जो वेलोसिटी है वो है आपकी डिस्टेंस कवर्ड है 20 मीटर, राइट बेटा? तो इस लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी? ये आपका 20 हो जाएगा और ये आपका 5. स्लोप कितनी हो जाएगी? 20/5 विच इज इक्वल्स टू 4. यूनिट क्या होती है स्पीड की? यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की? यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, राइट बेटा? क्लियर हुआ सबको? चलिए, स्लोप का एक रफली फॉर्मूला याद रखना है, मेजरमेंट ऑन वाई एक्सिस, जो मेजरमेंट वाई एक्सिस पर है और जो मेजरमेंट एक्स एक्सिस पर है, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे और हमारी स्लोप निकल आएगी. ठीक है, ये आप करते हो ना मैथ्स में, कौन सी थ्योरम होती है ये मैथ्स में जब आप पढ़ते हो, ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? विच ट्राइंगल इट इज? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना? राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो देखो कितना इजी है आपके लिए. किसी भी स्लोप को कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़े हमें? सिर्फ परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है.
ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया आप? पी आप, हाँ पी को लिख लो बेटा, पी हमारा है परपेंडिकुलर, ठीक है जी, और बी हमारा क्या है, बेस। हाँ हाँ जी बेटा, कौन बोला बेटा, मुझे आवाज क्लियर नहीं आती, सिर्फ ये पता लगा किसने कुछ बोला है। क्या पूछा बच्चे आपने? नो वन। चलिए ये समझ आ गया सबको, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो सिंपल मैथ्स ही यूज कर रहे हैं हम, है ना। परपेंडिकुलर कोण बेस करो तो हमारे पास स्लोप निकल आती है। क्लियर हुआ बच्चे? यस ठीक है, चलिए बेटा बी पार्ट, एक्सलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर ये मेरा ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो देन, हाँ जी, अगर मेरा ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तब क्या करेंगे? सेम ग्राफ है, बस मैंने वेलोसिटी टाइम कर दिया। अब एक्सलरेशन कैसे कैलकुलेट होती है? बाय सेम मेथड, यही मेथड लगेगा, ऐसे ही स्लोप निकलेगी, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ठीक है, और आंसर बन जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चे, कोई डाउट इस पार्ट में बेटा? पक्का इसको याद रखना, ये हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं बेटा इस बेसिस पे, आगे हमारे पास वर्कशीट में है न्यूमेरिकल्स, तो ये याद रखनी है सब। स्लोप कैसे निकली, एक्सलरेशन कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो स्लोप कैसे निकलती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो स्लोप कैसे निकलती है, ठीक है। ये सब याद रखना, भागे यूज होंगी ये चीजें, एंड मैं पूछूंगी तब सबसे, ठीक है बच्चे। चलिए अब क्वेश्चन है, डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, मतलब ये अब क्या कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया। कैसे निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस? यस, कौन बताएगा? हाँ जी, हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, जो भी हमारा एरिया है कर्व के अंडर वो हम सब कैलकुलेट करते हैं, तो इसके आगे लिख लीजिए बाय यूजिंग एरिया अंडर द कर्व, ठीक है बेटा। बेटा यस नो बोल दो ताकि मुझे थोड़ा पता लग जाए, पढ़ रहे हो आप सभी और आप भी अटेंटिव रहोगे, यस थोड़ा सा रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। अब देखो एरिया कैसे निकालते हैं, जैसे इस केस में ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू क्या होता है आगे बोलिए, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब मैं ये थोड़ा ब्रीफ कर रही हूँ आपको ताकि आने वाली क्लास में थोड़ा इजी हो जाए। आपके पास कोई रेक्टेंगल भी बन सकता है, एरिया में आपके पास, अब देखो इस क्वेश्चन में देखिए, यहां पे आपके पास क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, है ना। आपके पास यहां पर अगर आप देखोगे, अगर यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो बेटा इस तरीके से हम एरियाज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बच्चे। एरिया की कैसी शेप, ज्योमेट्रिक शेप कैसी बन रही है, वो ट्रायंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है, वो बन क्या रहा है, ठीक है बच्चे। चलिए ये क्लियर हो गया बेटा सबको। लास्ट इसका पार्ट है वेलोसिटी फ्रॉम एक्सलरेशन टाइम ग्राफ, दिस विल आल्सो वी विल कैलकुलेट फ्रॉम एरिया अंडर द कर्व। लिख लीजिए बेटा, ए और बी पार्ट दोनों हम स्लोप से कैलकुलेट करते हैं, सी और डी पार्ट दोनों हम एरिया से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चे। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, ये हो गया सबका, यस गुड। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन,
रीड द क्वेश्चन केयरफुली और मुझे फटाफट अटेम्प्ट करके दिखाओ बेटा ये क्वेश्चन. डू इट फास्ट. वेरी सिंपल क्वेश्चन. समझ आ रहा है बेटा क्वेश्चन सबको? अपना अपना बेटा, नो वन विल हेल्प अदर्स. ठीक है, सिर्फ अपना अपना कीजिए, ऐसे फिर डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे बेटा. चलिए फर्स्ट पार्ट बताइए बेटा मुझे. व्हेन डिड बी स्टार्ट आफ्टर ए? मतलब देखो ए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है. ए ने तो पहले जर्नी स्टार्ट कर ली और बी ने थोड़ा रुक के स्टार्ट किया, है ना. अब एक तो मुझे यहाँ पर देखो यूनिट्स ध्यान से देखिए. ग्राफ में जो यूनिट दी गई है डिस्प्लेसमेंट आपको किस किस यूनिट में दी गई है? किलोमीटर्स. एंड टाइम फिर किस में होना चाहिए? किलोमीटर चाहिए. ठीक है. सो व्हेन डिड बी स्टार्ट आफ्टर ए? ए ने तो जीरो से स्टार्ट कर लिया. बी ने कब स्टार्ट किया? यस, आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद. जैसे वो ए ने स्टार्ट की जर्नी 10 o'clock और बी ने स्टार्ट की अपनी जर्नी ये 12 o'clock. ठीक है जी. चलिए आगे आइए, सेकंड पार्ट रीड कीजिए बेटा. ये सेकंड पार्ट. हाउ फार अवे वॉज ए फ्रॉम बी व्हेन बी स्टार्टेड? 10 किलोमीटर. मतलब कि जब बी ने जर्नी स्टार्ट की तो ए अपने 10 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका था. मतलब ए ने 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 किलोमीटर. सबको समझ आया बेटा? किसी को नहीं समझ आया तो जस्ट रेज योर हैंड्स. गुड. विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर वेलोसिटी? नाउ आपका कॉमन क्वेश्चन आ गया. दोनों में से किसकी वेलोसिटी ज्यादा है बेटा? ए. ए तो पीछे रह गया, बी आगे निकल चुका है. बी ने देर से स्टार्ट किया. अब देखो बेटा मुझे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. ए ने कहां से स्टार्ट किया बेटा? ऐसे. और बी ने स्टार्ट किया आफ्टर 2 आवर्स, वो ऐसे जा रहा है. अब मुझे ये बताओ कि किसकी स्लोप ज्यादा है? बी की स्लोप ज्यादा है या ए की स्लोप ज्यादा है? बी की अगर स्लोप ज्यादा है तो ए फास्ट कैसे जा रहा है? कौन फास्ट जाएगा? बी फास्ट जाएगा. अभी कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा स्लोप का? कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना. देखो आप इजीली बता सकते हो ना सिर्फ एंगल देख के कि किसकी स्लोप ज्यादा है, किसकी इंक्लिनेशन ज्यादा है. ठीक है. इंक्लिनेशन के साथ बेटा एक टर्म और भी कई बार यूज होती है, स्टीपर. ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं स्टीपर वर्ड से. स्टीप मतलब कि जो ज्यादा सीधा खड़ा है वो ज्यादा स्टीप है. ठीक है, यस तो बी ज्यादा स्टीपर है तो बी ज्यादा फास्ट जा रहा है. वैसे भी देखो ना at 20, अगर हम यहां पर देखें तो इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट तक तो दोनों सेम वेलोसिटी पे थे. उसके बाद अगर मैं सेम टाइम पे देखूं, देखो ए स्लो हो चुका है, बी ऊपर जा रहा है, तो कौन फास्ट जा रहा है? बी. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है व्हेन एंड वेयर डिड बी ओवरटेक ए? देखो आई गया, बी ने ओवरटेक कर लिया अब ए को. 2 घंटे बाद चला वो, फिर भी
बी ने ए को ओवरटेक कर लिया तो फास्ट कौन होगा? योगा। वेरी गुड। अब मुझे आंसर बताइए, व्हेन एंड वेयर डिड बी ओवरटेक ए, कब किया? एनी सिंगल स्टूडेंट फ्रॉम नाइन्थ ए कौन बताएगा मुझे? यस मैं 20 किलोमीटर पर 4 आवर। हाँ जी बेटा ठीक है, एट 20 किलोमीटर एंड एट 4 आवर, इस पॉइंट पे जहां पे बेटा इंटरसेक्ट कर रही है ना, दो लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी मतलब वहां पर ओवरटेकिंग हो रही है। कई बार यही कंफ्यूजन होती है बच्चों को कब लें हम, तो जहां पर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को ओवरटेक कर लिया। ठीक है बेटा, ठीक है, सबको समझ आ रहा है? अच्छा लग रहा है सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन? हु इज विद सी? जस्ट रेज योर हैंड। कौन कौन कह रहा है कि सी इज द राइट आंसर? एक, दो, काफी स्टूडेंट्स हैं, नाइन्थ बी में से बहुत ज्यादा हैं, नाइन्थ ए में से। बट बेटा दिस इज नॉट द राइट आंसर, सी इज नॉट द राइट आंसर। क्यों राइट नहीं है बेटा? सी में डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपको, बी वेरी केयरफुल। अगर आपके पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, ठीक है, अगर आपके पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो और उसमें एक स्ट्रेट लाइन बन रही हो, तो वो क्या होता है? एट रेस्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो हाउ द आंसर कुड बी सी? बी बी पे आ जाइए, यूनिफॉर्म मोशन। अब चीज देखिए, अगर आप बी लेते हो, बी पे आ जाओ, बी भी देख लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वेलोसिटी है और ये हमारा टाइम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। अभी पढ़कर हटे थे बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। एक्सलरेशन। ठीक है बेटा, बी भी नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन पूछा गया है। क्या डी हो सकता है? अभी मैंने बताया था डिक्रीजिंग। हाँ जी, डी भी नहीं हो सकता। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है, अगर हम डी ऑप्शन को देखें, डी ऑप्शन को देखें, ये वेलोसिटी और वो डिक्रीज हो रही है, तो ये अभी हमने ग्राफ पढ़ा था किसका होता है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। आ रहा है बेटा समझ? तो राइट आंसर विल बी ए। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, यहीं कर लेते हैं ए पार्ट पे, ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, ये आपको टाइम दिया हुआ है और ये लाइन दी हुई है। देखो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ आपको बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहे होंगे, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है बेटा? इस जगह पे आ रहा है। तभी मैंने देखो इससे पहले वाले आपको न्यूमेरिकल में कहा था, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या लिया गया है ना बच्चे? राइट तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ए। ठीक है जी। अगर, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर यहां पर वेलोसिटी कर दूं मैं, इस सेम ग्राफ में अगर मैं वेलोसिटी कर दूं, फिर ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म हाँ जी, फिर क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? यूनिफॉर्म देखो इसको हम दो चीजें लिखते हैं,
क्या क्या लिख सकते हैं? या तो ये इसको लिखते हैं हम कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है बेटा, ये भी टर्म आती है कांस्टेंट वेलोसिटी, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बेटा जी। देखो वेलोसिटी सेम है तो उसका मोशन भी सेम रहेगा, इज दैट क्लियर? यस ये किसके लिए था ग्राफ, डी पार्ट, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये ग्राफ किसके लिए था, बी पार्ट वाला, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, गुड। चलिए बेटा सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ, यस अभी अभी हमने किया पीछे, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, फोर्थ किया ना हमने, हाँ जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से हमें कौन सी क्वांटिटी का पता लगता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ये चीज दिमाग में रखना, जब वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से की जाती है, एक्सेलरेशन हमें कौन बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है जी। एट्थ क्वेश्चन आई पे आइए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइए मुझे इसका, बस तो फोन ही बना होना फिनिश। यस, बॉडी बी, वेरी गुड वेरी गुड, रीजन सबको क्लियर है, कौन बताएगा मुझे इसका रीजन, यस एनीवन फ्रॉम सेक्शन 9B फ्रॉम लास्ट बेंचेस, यस मैम, टीचर्स प्लीज किसी स्टूडेंट को भेजिए जरा एक बार माइक के पास, 9B लास्ट में से किसी स्टूडेंट को भेज दीजिएगा, हाँ जी बेटा आइए माइक के पास जरा, हाँ जी बेटा एट का आंसर बताइए मुझे, बॉडी बॉडी एट क्वेश्चन का आंसर बच्चा, बेटा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी, थोड़ा माइक के पास आके बोलो, बॉडी बॉडी एट रेस्ट, बॉडी क्वेश्चन नंबर एट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट्स विल हैव अ हायर स्पीड, हायर स्पीड किसकी है, बॉडी ए की या बॉडी बी की, बी बी की है तो क्यों है, स्लोअर हाँ जी, स्लोअर नो विस्परिंग बेटा प्लीज, लेट हर स्पीक, आई नो मेनी स्टूडेंट्स नोज द आंसर बट डोंट टेल हर बच्चा, बॉडी एक मिनट बेटा, एनीवन एल्स फ्रॉम द लास्ट बेंच, यस मैम प्लीज बताइए, किसी और स्टूडेंट को भेजिए जरा एक बार, यस नाइन्थ बी से ही बोल रही हूं मैं, नाइन्थ बी से किसी स्टूडेंट को भेजिए मैम जरा एक बार, हाँ जी बेटा, बॉडी वाई बच्चा, भी इट हैज हायर स्लोप, हाँ जी नाइन्थ ही, ठीक बताया आंसर, ओके जी ठीक है, बॉडी बी बिकॉज इट हैज मोर स्लोप, बच्चे जिनको नहीं समझ आया अभी भी मुझे बता दो, आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स अगेन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, चलिए बेटा जल्दी से कीजिए, सी ऑप्शन, बिल्कुल बेटा ठीक है, वेरी गुड, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ये हम स्टार्टिंग में ही मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया आपके साथ है ना, क्वेश्चन नंबर टू के साथ, कि जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आते हैं तो उनकी वेलोसिटी
इंक्रीज होती है. तो सी क्यों है मुझको ये बताइए. आई एम सॉरी सी नहीं है इसका आंसर. आई एम रियली वेरी सॉरी. ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है ना नीचे की तरफ, फॉलिंग एप्पल. तो वेलोसिटी क्या होगी बच्चे, इंक्रीज होगी. तो इंक्रीज होने के लिए कौन सा ग्राफ सही होगा? देन व्हाई यू आर पिकिंग सी ऑप्शन? ठीक है बेटा, शेप देखो जरा आप. ये वेलोसिटी, ऊपर से जब कोई नीचे चीज गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. तो यहां से कुछ गिरा और वेलोसिटी ऐसे अगर आप बना दोगे तो ये तो वेलोसिटी आप डिक्रीज कर रहे हो, जीरो पर ले आए, है ना. हमारा ये ग्राफ नहीं बनेगा. कौन सा बनेगा फिर? ए ग्राफ बनेगा. ठीक है जी. वेलोसिटी क्या हो रही है हमारी? इंक्रीज हो रही है. ठीक है, ऑब्जेक्ट बेशक से नीचे आ रहा है, चाहे वो नीचे आ रहा है, बट उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ऑब्जेक्ट के नीचे आने से. तो ये वेलोसिटी, ये टाइम और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. इंक्रीजिंग. ठीक है बेटा, तो ए विल बी द राइट ऑप्शन, इंक्रीजिंग वेलोसिटी. ठीक है जी, ए विल बी द राइट ऑप्शन. समझ आ गया आप सबको? यस, अब समझ आया मुझे लग रहा है. उस क्वेश्चन की भी क्लैरिटी हो जाएगी. बेटा इस वर्कशीट को जाके जितने भी क्वेश्चन आज हम करेंगे, यू मस्ट रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस. और ठीक है, सिर्फ रिवाइज करना है अच्छे से, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में जब आपसे डिस्कस करूं तो आपको पता हो क्या क्या चीजें हैं. ठीक है बेटा, ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर देयर विच वी विल डिस्कस टुडे, बहुत ज्यादा नहीं है. क्वेश्चन नंबर 11 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा. 12th पे आइए जरा एक बार. फॉर ए यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, चलिए वेरी सिंपल अगेन. हां जी, यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की कैसी शेप होगी? मुझे हैंड से शेप बनाकर दिखा दो आप सब. कैसे होनी चाहिए? ऊपर होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, या नीचे होना चाहिए? यूनिफॉर्म रिटार्डेड, रिटार्डेशन मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है. वेरी गुड. तो कैसे बनेगा? यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन ऐसे बनेगा. ग्राफ ड्रॉ कर लो इसका साथ में, एंड टेल मी द राइट ऑप्शन. विच वन इज द राइट ऑप्शन हियर? हाँ जी, बी ऑप्शन. ए तो हो ही नहीं सकता ना. देखो कर्व हमारा कब बनता है? कोई भी कर्व बने, कुछ भी बने, वो तब बनते हैं जब मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो. तो ये तो क्वेश्चन में ही पूछ रहे हैं आपसे यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, तो ए तो नहीं हो सकते. अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, वो तो नहीं बनी हमारी. हमारी तो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है. पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ रही है? पैरेलल तो ऐसे होती. थर्ड ऑप्शन, अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, मतलब ये कह रहे हैं कि टाइम एक्सिस के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर है. ये तो ग्राफ ही पॉसिबल नहीं होता. दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल. इसका कोई मुझे रीजन बताएगा, ये क्यों पॉसिबल नहीं होता? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत बार एग्जाम्स में आता है. Why this graph is not possible? Slope not defined. और एक अगर आप लॉजिकली सोच कर चलो, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज तो दिखा दी इन्होंने, बट टाइम तो नहीं बढ़ रहा. टाइम तो वहीं का वहीं रुक गया. टाइम कभी स्टॉप होते हैं? तो ग्राफ कैसे बन गया ये? सेम टाइम पे अगर आप वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो किसी चीज की, तो टाइम भी तो इंक्रीज होगा साथ में. तो टाइम इन्होंने कांस्टेंट दिखा दिया. सो दिस इज व्हाई दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल. सेकंड रीजन, आपका स्लोप का बिल्कुल करेक्ट है. इसकी स्लोप नॉट डिफाइंड होती है, तब भी ये ग्राफ आपका क्या रहेगा? नॉट पॉसिबल. ये नहीं बन सकता ग्राफ. तो डी ऑप्शन पे आते हैं, अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस. देखो एक स्ट्रेट लाइन है,
जो कि टाइम एक्सिस की तरफ इंक्लाइन है, झुकी हुई है. टाइम इंक्लाइन मतलब ये टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है. ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? चलिए 13th क्वेश्चन पे आते हैं. फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, आप पढ़ो जरा एक बार सभी अपना अपना. अब ये क्वेश्चन मैं किसी स्टूडेंट से पूछूंगी, बी रेडी. यस, जल्दी कीजिए. यस, रीड कर लिया बेटा. हेलो, मैं आई नहीं यस बेटा, हो गया बच्चे. चलिए, क्या फर्स्ट ऑप्शन ठीक है? फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस हम बना दें तो इसका क्या मतलब होता है? ये तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? द बॉडी इज एट रेस्ट. ठीक है बेटा, बट क्या ये यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रही है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारी क्या हो गई? रॉन्ग. ठीक है जी, क्लियर सबको? सेकेंड ऑप्शन पे आइए. द स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, चलिए चलिए जल्दी बताइए. अभी कितनी बार कर चुके हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? ऐसी वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? बेटा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या पता चलता है? एक्सलरेशन पता चलती है या वेलोसिटी पता चलती है? Acceleration. तो अगर ये यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है तो इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा ना. तो ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सलरेशन. रिटार्डेशन बेटा नीचे की तरफ होती है. रिटार्डेशन कहाँ होती है? नीचे की तरफ होती है. ये एक्सलरेशन शो कर रहा है बेटा. ऊपर की तरफ एक्सलरेशन, कोई भी ग्राफ है ऊपर की तरफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऊपर की तरफ ग्राफ शो करता है एक्सलरेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नीचे की तरफ ग्राफ होता है वो होती है नेगेटिव एक्सलरेशन, जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं. ठीक है बेटा, ठीक है जी. अब भूलना नहीं है, ये किस चीज का ग्राफ बना आपका बेटा? और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? फॉर द यूनिफॉर्म मोशन. अब सी पे आइए जरा. द स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. हां जी, क्या ये हो सकता है राइट आंसर हमारा? अब स्पीड टाइम ग्राफ है और ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है. जरा बताइए मुझे, क्या ये ठीक है? ठीक है, अभी हम पढ़ के हटते थे ना, मैंने अभी देखो आपको लास्ट स्लाइड पे यहाँ पे समझाया था. ये देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये पार्ट क्या शो करता है आपको? सो विच विल बी द राइट ऑप्शन बेटा फॉर 13th क्वेश्चन? सी. और इसका ग्राफ बना लीजिए साथ में, लीव नहीं करना. फर्स्ट का भी बनाइए, सेकेंड का भी बनाइए, थर्ड का भी बनाइए, सबके ग्राफ बनाइए साथ में.
ठीक है, ये नहीं है फर्स्ट, ये वाला है, ठीक है, ये ए पार्ट का, ये बी पार्ट का और ये सी पार्ट का ग्राफ, ठीक है। एक्सलरेशन टाइम ग्राफ तो हमने किया ही नहीं है, तो डी तो राइट आंसर होगा ही नहीं फिलहाल आपका, ठीक है जी। ठीक इज इट क्लियर? yes. चलो एक बार फटाफट थोड़ा सा रिवाइज कर लें, एक बार सारा देख लें थोड़ा सा बच्चे, ये हो गया तो सबका। चलिए, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, तो उसमें मुझे ये लाइन बताइए क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिटार्डेशन? ऑप्शन लिख रही हूं बेटा मैं। सेकंड मुझे बताइए, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन सी पार्ट है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन, और डी पार्ट है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। क्योंकि हाँ जी, कौन सा आंसर राइट है? पक्का? वेरी गुड, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर मैं इसकी जगह वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दूं, इसी को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर दें, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पक्का? चलिए अब मुझे एक चीज और बता दो, अगर ये ग्राफ मेरा ऐसे होगा तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिटार्डेशन। हाँ, तो ये कौन सी रिटार्डेशन होगी, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। वेरी गुड बेटा, ठीक है जी, क्लियर हो गया ये सबको? जल्दी से ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का मुझे डायग्राम बनाकर दिखाओ, फटाफट सभी ड्रॉ किए करेंगे और फिर मैं ड्रॉ करूंगी तो उसके साथ चेक कर लेना एक बार कि ठीक है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ जल्दी से ड्रॉ कीजिए जरा कॉपीज में। डन, जल्दी से। मैम ओके बेटा जी, देखिए जरा क्या ये ऐसे बने, क्या ये ऐसे बना है, क्या ये ऐसे बना है? पक्का? चलो ठीक है, मतलब समझ आ गया फिर तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर की पूरी क्लियरिटी के लिए, ठीक है जी। चलो फिर इनफ है आज के लिए, विंडो हो गया, बंद कर देना वहां से। ठीक ठीक है जी। चलिए ओके, देन नाउ यू कैन लीव द क्लास। ओके है। बेटा जी, बाय एवरीवन। बाय।